नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। इनमें डिफरेंस समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ओस्मोसिस रिएक्शन क्या होती है। ओस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं। कहाँ से कहाँ? जहाँ से लेस कंसनट्रेशन होती है उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ। तो एंड ऑस्मोसिस क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर घुस जाते हैं, यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो टूवर्ड सेल होती है। एक्सोस्मोसिस रिएक्शन क्या होती है कि जहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होती है उनका जो मूवमेंट प्रोसेस होता है वो आउटसाइड सेल होता है, कि सेल से बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस प्रोसेस। अभी हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सेल के इनसाइड वो हायर होता है इन कंपैरिजन विद जो सेल के आउटसाइड सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल के अंदर वो कम होता है इन कंपैरिजन जो सॉल्यूशन सेल के बाहर पड़ा हुआ है। आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है बाहर सॉल्यूशन में भी और सेल के इनसाइड भी। हाइपोटोनिक जैसे नाम से, ये हाइपो का मतलब होता है अंडर, बाहर जो सॉल्यूशन है सेल में उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो कम है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपर का मतलब होता है ओवर, जो सेल के बाहर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, हाइपर का मतलब ओवर। आइसोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड और इनसाइड सेल इक्वल होती है। अब हाइपोटोनिक में होता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब जो मैंने पहले ही बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी जो मूवमेंट होगी वो टूवर्ड सेल होगी, तो पानी सेल के अंदर घुस जाएगा। हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस होती है, इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल है वो सेल से बाहर आ जाएंगे, यानी कि जो उनकी मूवमेंट होगी वो आउटसाइड सेल होगी। आइसोटोनिक में कोई भी चेंज नहीं आता है। हाइपोटोनिक में क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर घुस रहे हैं तो उनका जो साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इवन इन सम केसेस वो बर्स्ट भी हो सकते हैं। हाइपरटोनिक में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सेल से बाहर आ रहे हैं तो उनका जो साइज़ है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, उनका जो शेप है वो लूज़ हो जाएगी। आइसोटोनिक में ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। घर में हम अचार डालते हैं, मान लो हम मैंगो पिकल डाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारा नमक डाल देते हैं अचार के ऊपर, तो जो बाहर का जो सोल्यूशन होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो नमक की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम हाइपरटोनिक जो प्रोसेस अपना रहे हैं। अब आप अचार जब डालते हो तो जो मैंगो पिकल का शेप होता है वो बहुत ज़्यादा फर्म होता है जब बड़ा होता है। जब आप 5-6 दिन बाद उस अचार को देखो तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो हाइपरटोनिक को हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक ये यूज़ नहीं होता है फूड प्रिजर्वेशन में, सिर्फ हाइपरटोनिक ही होता है जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। अभी आप इस पिक्चर में देखिए कि हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो सेल के बाहर आ रहे हैं, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे उनकी शेप ख़राब हो गई। आइसोटोनिक में शेप में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि पानी की कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रही है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि जो पानी की जो मूवमेंट है वो इनसाइड द सेल है, तो यहाँ पे जो सेल है वो बस्ट कर रहे हैं जब बड़े हो रहे हैं शेप में। तो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। थैंक यू वेरी मच।